हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इलाइट जोन में। आज हम लोग इस वीडियो में सीएचएल 2023 टीयर वन के मैथ के पेपर को आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 2 अगस्त 2023 का फोर्थ शिफ्ट का पेपर है। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम इसमें 25 के 25 सवाल जो कि मैथ का रहेगा, सारे का सॉल्यूशन हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड वे में सॉल्व करवाएंगे और एकदम बेसिक से आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट को साथ ही साथ क्लियर करवाते चलेंगे। अगर आप प्रिपरेशन अभी से भी स्टार्ट किए हों, फिर भी आपको यह समझ में काफी आसानी से आएगा। तो बिना किसी देरी किए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए, हमारा पहला सवाल है, यदि cos a इज इक्वल टू 63/65 है तो tan a प्लस cot a का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर tan a और cot a को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखते हैं, tan को sin बटे cos और cot को क्या लिखते हैं, cos बटे sin। मतलब आपको ऊपर में क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बटे नीचे में कितना जाएगा आपका sin a इंटू कॉस। आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितना होता है, 1 बट्टे साइन ए इंटू कॉस ए का वैल्यू आप लोगों को निकालना है। देखिए, कॉस ए का वैल्यू आपको दिया हुआ, यहाँ से मैं साइन ए का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो साइन ए का वैल्यू कितना जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू ये कितना जाएगा आपका, देखिए आपको ये 20 दे दिया है और ये क्या दे दिया है, कर्ण दे दिया है। मतलब परपेंडिकुलर निकालना है तो क्या होगा, रूट अंडर 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर। तो कितना जाएगा, 65 प्लस 63 कर लीजिए कितना जाएगा आपका, 128 इनटू दोनों का डिफरेंस बटे कर्ण कितना है 65। ठीक है, तो ये आपका जाएगा ये 256 मतलब 16/65। अब सीधा इसमें हम लोग पुट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब कितना जाएगा इसका रिवर्स, मतलब 65/16 इंटू कॉस ए का वैल्यू कितना जाएगा, इसको रिवर्स कर लेंगे उल्टा लाना यहाँ पर, मतलब 65/63। बस इसी का आपको वैल्यू निकालना है और आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो देखिए, 65 का स्क्वायर कितना होता है, 65 का अगर आप स्क्वायर कीजिएगा तो ये कितना जाएगा, 4225। ठीक है, और देखिए 16 को 63 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 16 * 48 = 8, 4 * 16 = 96 और 4 कितना जाएगा आपका 100, मतलब 1008 हो जाएगा। मतलब 4225 को अब देखिए डिवाइड कीजिए 1008 से। अब देखिए एग्जैक्टली डिवाइड करने नहीं लग जाना है आपको एग्जाम में। देखिए ऑप्शन को, ऑप्शन में कितना है 2 point something, तो दोगुना करेंगे, नहीं होगा तिगुना भी हो सकता है, ऑप्शन 1 नहीं होगा, 5 गुना तो होगा नहीं है क्योंकि 5000 आ जाएगा, अगर 5000 से प्लस आ जाएगा। तिगुना कीजिए, देखिए 3000 रहेगा, यहाँ पर कितना है 4200, मतलब ऑप्शन नंबर 4, 4 गुना करके आप देख लीजिए 4.49 के आसपास आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल को देखिए, कहा गया है 2 वर्ष पूर्व एक छोटे से शहर की जनसंख्या 60,000 थी, पहले वर्ष इसमें 5% की वृद्धि होती है। मतलब अगर जनसंख्या पहले 20 हुई होगी तो अगले साल कितना हो जाएगा, अब यह 5% वृद्धि का मतलब 21 हो जाएगा, सिंपल है। अब कहा गया है लेकिन महामारी कारण दूसरे वर्ष में 10% की कमी, मतलब फर्स्ट ईयर का ये हुआ, सेकेंड ईयर क्या हुआ, इसमें 10% की कमी आती है। मतलब जनसंख्या अगर 10 हो तो कितना जाएगा, 10% कमी का मतलब, मतलब ये हुआ 1/10 10% मतलब 1/10 10 था तो कितना जाएगा, 1 कम हो जाएगा, मतलब 9 हो जाएगा। मतलब पहले अगर जनसंख्या 200 थी तो अब कितना हो जाएगा, 189 हो जाएगा। इसी 2000 मतलब 2000 का वैल्यू दिया हुआ है आपको, सॉरी 200 का वैल्यू दिया है 60,000, यही 60,000 जो 200 का वैल्यू है तो हमें 189 का वैल्यू निकालना है। मतलब ये 1 यूनिट के वैल्यू कितना जाएगा, 30, 2 जो हो जाएगा आपका कैंसिल, मतलब 300 हो जाएगा, 189 का 1 यूनिट की वैल्यू कितना 300 है, तो 189 यूनिट के वैल्यू कितना होगा, मतलब 189 × 300 कर लीजिए, मतलब आपका जाएगा 9 * 27 = 7 = 54 * 2 = 56 और इस पे 00 56,700, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल को देखिए, कहा गया है एक त्रिभुज एबीसी
भुजा BC को D तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि एंगल ACD का वैल्यू दिया 127, यदि एंगल ABC 35 है तो एंगल BAC को निकालना है। देखिए, एक पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा ABC, देखिए BC को D तक बढ़ाया जाता है, तो BC ये है, इसको हम लोग D तक बढ़ाते हैं, तो ACD का वैल्यू कितना जाएगा, 127 डिग्री है। अब ABC का वैल्यू दे दिया है आपको, ये दे दिया है आपको कितना, तो ये है आपका 35 डिग्री। ये आपको 35 डिग्री निकालना है, आपका BAC मतलब ये एंगल आपको निकालना है। आपको पता है अगर ये x है तो x प्लस 35 किसके इक्वल होगा, 127 के इक्वल होगा, मतलब x प्लस 35 इज इक्वल टू कितना जाएगा, 127 डिग्री। तो हमें x का वैल्यू निकल जाएगा, ये कितना जाएगा, 127 माइनस 35, तो ये कितना जाएगा, ये 37 के 100 100, ये हो जाएगा आपका 8, मतलब 92 डिग्री आपका आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। देखिए अगला सवाल में कहा गया है, AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, CD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एक वृत्त के केंद्र की एक ही दिशा में दो समानांतर जीवाएं हैं, उनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालना। देखिए एक ये वृत्त मान लेते हैं हम लोग, तो वृत्त की दो समानांतर जीवाएं एक ही साइड है, मतलब सेंटर जो है उसके एक ही साइड होना चाहिए। एक ये है, एक ये हम लोगों ने मान लिया, एक का लेंथ दिया है AB और दूसरे का लेंथ दिया है CD। सिंपल है, ये हमारा सेंटर है और ये हमारा क्या जाएगा, इसके लिए रेडियस ये हो जाएगा और एक के लिए क्या जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर ये पॉइंट O है, O तो है यहाँ पर, हम मान लेते हैं इसको P है, तो OP को जो हम मान लेते हैं, OP इज इक्वल टू हम मान लेते हैं X, ठीक है। इसके लिए, इस एंगल के लिए OA का जो रेडियस बन रहा है और यहाँ पर OC भी क्या है, सॉरी CP भी, CO भी क्या है, रेडियस है, दो रेडियस क्या होगा, इक्वल ही होगा, तो इसका लेंथ कितना जाएगा, तो देखिए ये जो पूरा बड़ा वाला है ये साइड जीवा, तो इसका जो पूरे का लेंथ 8 है, तो इसका लेंथ कितना जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका 3, मतलब ये आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर, मतलब हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिखते हैं कि बार 16 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं ये भी रेडियस जो होगा इक्वल होगा, मतलब 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये कितना जाएगा, एक्स अगर यहाँ है और ये बीच में 2 कितना है, 2, मतलब एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखिए सिंपल है, ये क्लियर हो गया, मतलब ये जाएगा आपका कितना, 16 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब देखिए ये सॉल्व हो जाएगा, एक्स स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, ये कितना जाएगा 13 माइनस, तो ये जाएगा 3 इज इक्वल टू 4x, एक्स के वैल्यू कितना जाएगा आपका 3/4। जब x का वैल्यू 3/4 आ गया, हमें क्या निकालना है, ये रेडियस है, मतलब आप देख लीजिए, अगर हमें ये देखिए, ये साइड को देखिए, ये हमें आ गया 3/4, हमें ये पता है, ये निकल जाएगा, मतलब रूट अंडर कितना जाएगा, 16 प्लस इसका स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, मतलब कितना जाएगा, 9/16, मतलब 256 प्लस 9, मतलब कितना, 265/4, 16 रूट से निकल जाएगा, मतलब हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहा गया, 2 वर्ष पहले एक गांव की जनसंख्या 12,000 थी, यदि पिछले 2 वर्ष में गाँव की जनसंख्या में क्रमशः 2.5% और 3% की वृद्धि हुई, तो गाँव की वर्तमान जनसंख्या कितनी थी, मतलब कितनी है अभी प्रेजेंट में, मतलब देखिए 2.5 का मतलब कितना बोल सकते हैं हम लोग, 1/40, मतलब अगर 40 थी तो वर्ग कितना जाएगा, 41, ठीक है। अब कहा गया है फिर क्या होता है, 3% की वृद्धि होती है नेक्स्ट ईयर, मतलब 3 को हम क्या लिखेंगे, 103, मतलब 100 था तो अब कितना हो जाएगा, 103 हो जाएगा। हमें क्या कहा गया है, वर्तमान में, मतलब 2 वर्ष पहले कितना था, इसको हम बोल सकते हैं कितना जाएगा, 4,000 था, 2 वर्ष पहले 4,000 था तो अभी कितना हो जाएगा, 41 × 103, तो देखिए कितना जाएगा, 4100 प्लस 41 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करिए, कितना जाएगा, 123, मतलब 4223, मतलब 4200 कितना जाएगा, 23 बढ़ के हो जाएगा, मतलब इसे 4,000 की वैल्यू दिया हुआ है, कितना 12,000, मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3, मतलब 4200, 30 का वैल्यू कितना होगा, इसको 3 से हम लोग क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल है, मतलब क्या हो जाएगा आपका, अगर हम लोग 300
बयालीस 27 है, सॉरी ये 4200, ये 23 है, मतलब 3 तिया कितना जाएगा 9, 6 ये 6 और ये कितना जाएगा 12, मतलब 12669, 12669 जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल को देखिए, कहा गया है व्यंजक इसको मतलब सिंपलीफाई करना है। देखिए x माइनस वन दिया हुआ है और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 बटे x माइनस 3 दिया है। देखिए ऊपर वाले को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 x माइनस 1 लिख सकते हैं, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे में x माइनस 1 रहेगा ही। फिर माइनस देखिए ऊपर वाले को लिख सकते हैं, x प्लस 3 x माइनस 3 x स्क्वायर माइनस 9 को हम इतना लिख लेंगे, और x माइनस 3 ऑलरेडी है ही। देखिए ये आपको कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा कैंसिल, मतलब x प्लस 1 यहाँ बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा माइनस x, और माइनस 3 माइनस माइनस ये भी कैंसिल, मतलब 1 माइनस 3 मतलब -2। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, कहा गया है एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग, मतलब आधार की त्रिज्या आर है, ऊंचाई एच है, तो आर प्लस एच की वैल्यू दिया हुआ है आपको 42 सेंटीमीटर। यदि बेलन की कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है 6336 मीटर स्क्वायर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दशमलव के 2 स्थान तक आपको निकालना है। सिंपल देखिए, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ठीक, इसका वैल्यू हमें दिया है 6336, ठीक है। देखिए आर प्लस एच की वैल्यू हमें दे दिया है 42, तो मतलब 2 × 22 बटे 7 × रेडियस × 42, हमको यहाँ पर सॉल्व करने का रेडियस निकल जाएगा, मतलब 6336, ठीक है, 6336 ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको काटते हैं, इससे काट लीजिए, देखिए तो ये आपको कितना जाएगा, 7 × 6 = 42, ये जाएगा 9 3 22, 6 से डायरेक्ट काट लीजिए, 6 से कितना जाएगा 6 × 60, 6 × 5 = 33, 6 × 6 = 36, 10656 हो गया। अब देखिए हम लोग अगर इसको काटना चाहे 11 से डायरेक्ट काटते हैं, तो 11 × 2 = 22, ये हो जाएगा 11 से काटिए, 11 × 9 = 99, 11 × 6 = 66, और ये 4 बचेगा, 4 से काटिए कितना होगा, 24 × 6 = 96, मतलब रेडियस आपका आ जाएगा कितना, 24 मीटर, ठीक है, रेडियस आ गया। तो हाइट कितना जाएगा आपका, 24 − 42 − 24 की कितना जाएगा आपका 18, हाइट और रेडियस आ चुका है। निकालना है हमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब 2 पाई आर एच, 2 × पाई की वैल्यू पुट कर लीजिए 22 बटे 7 × 24 × 18, बस इसी को आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। तो नेक्स्ट सवाल को देखिए, कहा गया है एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 22 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर, बहुत ही दीर्घ सवाल है। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल कितना होता है, रूट अंडर 3 बटे 4 × साइड का स्क्वायर, मतलब 22 × 22। सिंपल है, मतलब 4 से काटे ये हो जाएगा 11, और ये 11 × 11 कितना होगा, 121 रूट अंडर 3, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कहा गया है ये पाइथागोरस का सवाल है, कहा गया नीचे दिए गए वित्त आरेख में एक वर्ष के दौरान एक देश द्वारा विभिन्न खेलों में किए गए खर्च को दर्शाया गया है, आलेख का अध्ययन करना है और आंसर देना है। यह कहा गया यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की कुल राशि 1 करोड़ 50 लाख है थी, तो क्रिकेट और हॉकी में मिलाकर खर्च की गई राशि कितनी है। देखिए क्रिकेट और हॉकी, तो देखिए यहाँ पर कितना है, 20 20% है, मतलब इसका कितना निकालना है, 40% निकालना है, मतलब 5 × 60 60 वाला ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कहा गया है दुकानदार ने एक उत्पाद को क्रय मूल्य से 5% अधिक अंकित मूल्य पर अंकित किया, 10% की छूट देने के बाद 1890 में बेच दिया, तो उत्पाद का क्रय मूल्य क्या हुआ। क्रय मूल्य को हम मान लेते हैं 100 रुपया है, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 105, क्योंकि 5% अधिक अंकित करता है, उसमें कहता है 10% छूट देता है, मतलब 105 पे 10% छूट करता है, 9 बटे 10, इसका वैल्यू कितना दिया है, 1890 दिया हुआ है। हमें निकालना है यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू, सिंपल है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 9 से कटेगा, 9 दूनी 9 एकम और 0, ये कट जाएगा 2 बार में, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना होता है, उधर मल्टी कितना जाएगा 20, हमें क्या निकालना है 100 यूनिट के वैल्यू, मतलब 100 यूनिट इज इक्वल टू कितना जाएगा 20 पे 00, मतलब 2000, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कहा गया है ए बी वृत्त की एक जीवा है, इसका व्यास ए ओ सी इस प्रकार है कि
एसीबी का वैल्यू दिया है 65 डिग्री। यदि एटी बिंदु ए पर एक वृत्त की स्पर्श रेखा है तो कोण बीएटी का मान किसके बराबर है। देखिए पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ए बी क्या है, वृत्त की एक जीवा है, मान लेते हैं ये हमारा जीवा है जो कि ए है और बी है, ठीक है। और इसका व्यास ए ओ सी है, मान लीजिए ए है तो यहाँ से यहाँ तक व्यास होगा जो कि ये सी है, ये हमारा ओ है, ठीक है। अगर कहा गया है कोण ए सी बी, ए सी बी हमें दिया हुआ, ये सी बी ये हुआ, ये वैल्यू हमें दिया है 65 डिग्री। यदि ए टी जो है बिंदु ए पर एक स्पर्श रेखा है, ए टी जो है एक बिंदु ए पर, टी है ये एक स्पर्श रेखा है, तो कहा गया है बी ए टी का मतलब ये एंगल हमें निकालने हैं। देखिए सिंपल है, आपको पता है ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री होता है। क्यों होगा, क्योंकि क्या है, आप जो जब कभी भी दो जीवा एक दूसरे को मीट करता है सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, तो वह 90 डिग्री पे ही मीट करेगा। मतलब आपका ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये 65, ये कितना हो जाएगा आपका, ये 90 मतलब 15 डिग्री आपका ये हो जाएगा। आपको पता है अगर जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट पे सर्कल से जो भी लाइन आएगा वह क्या होगा, परपेंडिकुलर होता है। मतलब ये पूरा एंगल आपका हो जाएगा 90 डिग्री। हमें निकालना है सिर्फ और सिर्फ ये एंगल, पता है ये आपका 15 है, ये यहाँ से आपका 15 है, तो ये आपको कितना हो जाएगा, 90 - 15 मतलब 65 डिग्री होगा। सिंपल था, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। यदि साइन थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू दिया है 1/5, तो साइन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान निकालना है। तो देखिए आप अगर साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, अगर हम दोनों को पहले सबसे पहले यही निकाल लें, दोनों को हम स्क्वायर करके, तो क्या जाएगा, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कितना जाएगा 2 sin θ, कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना जाएगा 1/25, ये कितना जाएगा आपका 1, मतलब 1 माइनस 1/25 इज इक्वल टू कितना जाएगा 2 sin θ × cos θ। ये चीज क्लियर है, मतलब ये कितना जाएगा 24/25, ये कितना 2 sin θ × cos θ वैल्यू कितना जाएगा 24/25, ये आपका वैल्यू हमें निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। आपको पता है अगर ए माइनस बी दिया हुआ, ए प्लस बी कैसे निकालेंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का 4, ये ना 4ab हम इसमें एड कर लेंगे, तो ठीक है ये आपका आंसर जाएगा। देखिए आपको पता है a प्लस बी निकालना है हमें, देखिए a माइनस बी का वैल्यू हमें दिया है 1/5, मतलब इसका होल स्क्वायर मतलब कितना जाएगा 1/25, ये चीज क्लियर है। प्लस ये कितना हो जाएगा, मतलब 4 sin θ cos θ का वैल्यू इतना दे दिया, मतलब कितना जाएगा ये 4 sin θ cos θ का वैल्यू कितना जाएगा 4, मतलब इसका दोगुना मतलब 48/25, क्लियर। दोनों को एड कर लेंगे कितना जाएगा आपका 49/25, ये क्या है होल स्क्वायर है, मतलब ए प्लस बी वैल्यू कितना होगा रूट अंडर 49/25 मतलब 7/5 जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, ऑप्शन नंबर 1 आपका। अगला शब्द है कहा गया है एक संख्या को 78 से भाग देने पर भागफल 280 तथा शेषफल क्या है 0 प्राप्त होता है, तो यदि उसी संख्या को 65 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। सबसे पहले हम संख्या निकालते हैं, संख्या मान लेते हैं x, इसको हम 78 से डिवाइड करेंगे, मतलब संख्या कितना हो जाएगा 78 × 280, ठीक। इसको अगर हम 65 से डिवाइड करते हैं तो भागफल कितना आएगा, डिवाइड करके चेक कर लीजिए, देखिए 13 × 6 = 78, 13 × 5 = 65, ये भी 5 से जगह कट जाएगा, मतलब शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ शेषफल 0 आएगा। अगला शब्द देखिए कहा गया है दिए गए व्यंजक को सरल करना है। देखेंगे आप 17 का क्यूब, मतलब 4 × 17 का क्यूब − 7 का क्यूब / 17² + 7² + 17 × 7 मतलब 119 होता है। मतलब अगर हम कहें ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × a³ − b³ / a² + b² + ab के फॉर्म में है, मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं आपको 4 × a − b × a² + b² + ab होता है, ठीक है। नीचे में a² + b² + ab आपका दिया हुआ, मतलब ये सही हो जाएगा कैंसिल, मतलब 4 × a − b का मतलब 17 - 7 मतलब 10, 10 × 4 कितना हो जाएगा 40 जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट शब्द कहा गया है कपिल ने अप्रैल, अगला शब्द देखेंगे हम लोग, कपिल ने अप्रैल 2022 में
30 लाख के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 6 माह के बाद उसके दोस्त कुणाल 25 लाख के साथ निवेश में क्या शामिल होता है। फरवरी 2023 में कपिल की एक पूर्व कक्षा साथी सोनाली ने भी क्या है पहले के दोस्त साझेदारी द्वारा किए गए कुल निवेश के बराबर दोनों जो निवेश किया है उस दोनों के बराबर यह अकेले निवेश कर लेती है। कब? फरवरी 2023 में। जिस दिन कपिल ने व्यवसाय शुरू किया था उस तारीख से 3 वर्ष बाद अर्जित लाभ का अनुपात का वितरण करना है। किस अनुपात में बांटा जाएगा वो आपको निकालना है। देखिए सबसे पहले हमको क्या है कपिल है, तो देखिए कपिल क्या है 30 लाख को हम देखिए सिर्फ 30 लिखते हैं, 3 साल के मतलब 36 महीने के लिए क्या हुआ ये इन्वेस्टमेंट किया। कपिल के बाद क्या है कुणाल है, ठीक है कुणाल को हम लिखते हैं के यू, ठीक है कुणाल ने क्या है 25 लाख, तो 25 से हम सिर्फ लिखेंगे जीरो को, हम लास्ट जो जीरो है 6 जीरो उसको हम लोग क्या करते हैं 5 जीरो उसको इग्नोर कर रहे हैं। 25 लाख को कितने वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया होगा, तो देखिए ये 36 कपिल किया 36 मंथ के लिए, तो 6 महीना लेट आया है मतलब 30 मंथ के लिए कुणाल ने किया। उसके बाद क्या है सोनाली को हम एस से नोट करते हैं, सोनाली क्या है दोनों के योग के बराबर अकेले इन्वेस्ट करता है, मतलब 30 एक किया 25 एक किया कितना किया होगा 55 किया होगा। कितने दिनों के लिए किया है, तो देखिए हर अप्रैल 2022 में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है कौन कपिल ने, तो ये कब करता है फरवरी 2023 में, मतलब 10 महीने के लिए हुआ, 10 महीने मतलब लेट मतलब 26 महीने के लिए ये इन्वेस्टमेंट की। अब देखिए तीनों का सभी को क्या निकालना है, हम लोगों का रेशियो निकालना है। देखिए काटे पहले 5 से दिए कितना जाएगा 6, ये कितना जाएगा 5, ये कितना जाएगा आपका 11, फिर से कट रहा है काट सकते हैं हम लोग इसको कितना से 18 से कर, 2 से काटिए 18, 15 और ये कितना जाएगा 13, मतलब 18 6 का 108, 75 और 13 × 11 = 145 जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखिए कहा गया है निम्नलिखित तालिका में अंग्रेजी की 4 इकाइयों इकाई परीक्षा में 4 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंक को प्रदर्शित करता है, अगर 4 छात्रों में किसके औसत अंक सबसे अधिक है, मतलब हम 4 इकाइयों में जो एग्जाम हुए हैं सबसे अधिक अंक किसके हैं वो आपका आंसर देना है। देखिए रानी का सबसे कितना अंक है, देखिए 20 22 24 और 23 सभी को जोड़ेंगे कितना जाएगा आपका 80 80 86 और 89, रानी को प्राप्त अंक कितना है 89, राजू को देखने कितना जाएगा 80 80 4 84 हो जाएगा, ये 84 हो जाएगा राजू का, रवि का कितना जाएगा 80 6 96 मतलब 80 90 हो जाएगा ये रवि का, और रेखा कितना हो जाएगा 80 5 85 86 हो जाएगा रेखा का, मतलब सबसे अधिक अंक किसके हैं तो ये है रवि के, तो रवि का क्या औसत अंक सबसे अधिक होंगे, सिंपल है। अगला सवाल को देखिए कहा गया है 51 से 77 के बीच स्थित अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, देखिए 51 से 77 के बीच कौन कौन से अभाज्य संख्या उसको सभी को हम लिखते हैं, देखिए 53 हो जाएगा, 53 के बाद अगर हम देखें तो आपका जाएगा कौन सा 59 हो जाएगा, ठीक है 53 59 उसके बाद क्या होता है 61 होता है, उसके बाद ये आपका जाएगा 67 हो जाएगा, 67 बाद कितना जाएगा 71 हो जाएगा, 71 के बाद कितना जाएगा 73 हो जाएगा, बस इतना है। इस सभी का औसत संख्या का निकालना है, कितना है संख्या 6 है, सभी को हम पहले क्या करेंगे जोड़ेंगे, सबसे पहले मानते हैं 60 हमारा औसत, ठीक है 60 ये कितना जाएगा 60 औसत माने हैं, ये कितना होगा -7 -1 +1 ये +7 +11 +, ये जाएगा 13 डिवाइडेड बाय कर लीजिए 6, सिंपल है। देखिए ये कितना जाएगा 1 से 1 कैंसिल, ये 7 7 कैंसिल, मतलब ये कितना जाएगा आपका 24 6 मतलब +4 और हो जाएगा, मतलब 64 क्या हो जाएगा आपका सभी का औसत अभाज्य संख्याओं का औसत होगा जो 51 से 70 के बीच में है। नेक्स्ट सवाल देखिए कहा गया है दिए गए व्यंजक को सॉल्व करना, देखिए अच्छा से आप इसको देखेंगे, देखिए मतलब 0.99 है, 0.92 0.9 है, 0.4 0.4 है, फिर कितना है 0.16 0.16 है, फिर देखिए इसको मतलब इसको मैं ऐसे लिखे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के फॉर्म में ऊपर वाले पार्ट में है, नीचे वाले को हम देखें, देखिए ये कितना है 9, मतलब a हम
0.9 ए को लिए है, 0.4 बी के लिए है और 0.16 किसके लिए लिए, सी के लिए। ये कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 0.04। ये कितना जाएगा बी, और सी के लिए कितना होगा 0.16 सी हो जाएगा। मतलब ये ऊपर वाले को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ये कैंसिल, मतलब सिर्फ आपका आंसर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। मतलब ए का वैल्यू कितना बोलेंगे 0.09, बी का वैल्यू मतलब 0.04 प्लस सी का वैल्यू कितना है 0.16, मतलब 20 9 29 मतलब 0.29 जो कि ऑप्शन नंबर एक में दिया हुआ है। देखिए कहा गया है ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इसका मान क्या होगा वो आपको निकालना है। इस तरह सवाल में आपको कुछ भी नहीं करना है, सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, कब जब एंगल का वैल्यू 0 या फिर 90 कोई भी वैल्यू पुट करके चेक कर लीजिए। या 0 पहले पुट करके कितना जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये कितना जाएगा -6 हो जाएगा, ये कितना जाएगा 8, मतलब आपका हो जाएगा 4 + 2 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। अगला सवाल देखिए कहा गया है, यदि एक व्यक्ति 320 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से किशमिश खरीदता है, 6 रुपया में 25 ग्राम की दर से बेचता है, तो लाभ और हानि क्या होगा। देखिए 6 रुपया में 25 ग्राम का मतलब 25 ग्राम बेचता है, मतलब 100 ग्राम का वैल्यू कितना होगा, 24 रुपया में 100 ग्राम दिया, 100 ग्राम का वैल्यू 24 रुपया होगा, तो 1000 ग्राम का वैल्यू कितना हो जाएगा, मतलब 240 रुपया में 1 केजी क्या है ये बेचता है। मतलब 320 रुपया में खरीदता है, 240 रुपया में बेचता है, तो हानि होगा, हानि कितना हो जाएगा, तो देख लीजिए 80 रुपया का हानि होता है किसमें, तो 320 में 80 रुपया का हानि होता है, सिंपल है, मतलब 25% का हानि होगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए कहा गया है, एक किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, एक किसी काम को 12 दिन में 12 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर, दोनों साथ मिलकर कितना दिन, बहुत ही बेसिक सवाल है, 60 आप हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 5, हो जाएगा 4, मतलब 60 बट्टे कितना जाएगा 5 + 4 9, मतलब 20 बट्टे 3, मतलब 6 पूर्णांक 2 बट्टे 3, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। देखिए अगला सवाल, एक वस्तु के क्रय मूल्य सीपी और अंकित मूल्य एमपी का अनुपात 4:7 है, तो वस्तु के एमपी पर 20% की छूट देने के बाद दुकानदार के 80 रुपया का लाभ अर्जित करता है, तो वस्तु का सीपी कितना है। देखिए सीपी अगर हम मानते हैं 4 है, तो मानते हैं हम 400 रुपया, ठीक है, सीपी हो गया हमारा, एमपी मान लेते हैं कितना जाएगा, तब 700 हो गया। अब क्या है देखिए, अंकित मूल्य पे 20% की छूट, मतलब इसका क्या होगा 4/5 में बेचता है, मतलब एसपी कितना जाएगा 4/5, मतलब 560 रुपया में बेचता है, तो कहा का गया है लाभ कितना, 80 रुपया लाभ कितना यहाँ से 160 रुपया, 160 यूनिट का वैल्यू आपको दे दिया कितना 80 रुपया, तो सीपी निकालना है, मतलब ये हो जाएगा आपका 2 यूनिट का वैल्यू कितना जाएगा आपका 1 रुपया, तो आपको निकालना है 400 यूनिट के वैल्यू, तो कितना जाएगा आपका, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 रुपया होगा, 2 यूनिट का वैल्यू 1 रुपया, मतलब 400 यूनिट का वैल्यू कितना जाएगा 200 रुपया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। सेकंड लास्ट सवाल देखिए कहा गया है, निम्नलिखित दंड आरेख को एक परीक्षा में प्राप्त किए गए छात्र जो अंक अर्जित करता है उसको दर्शाया गया है, छात्र द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक कितने हैं वो आपको निकालना है, छात्र कितने हैं 5 है, सभी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक को योग निकाल के 5 से डिवाइड करना, 70 + कितना होगा 60, 130, 170, 170 कितना जाएगा ये फिर 220, 200 में तो ये कितना जाएगा आपका 300 डिवाइडेड बाय 5, मतलब 60, सिंपल बेसिक सवाल था, 60 औसत होगा। आखिरी सवाल देखिए कहा गया है, एक लड़का साइकिल से अपने घर और स्कूल के बीच एक निश्चित दूरी तय करता है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से साइकिल चलाते हुए 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, हालांकि 20 किलोमीटर प्रति घंटे चार्ज चलाता है तो 5 मिनट का स्कूल पहले पहुंच जाता है, मतलब अगर डिस्टेंस अगर हम मान लेते हैं डी है, अगर वह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चार्ज चलता है और मान लेते हैं डी है अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलते हैं, तो जो दोनों के द्वारा लिया गया टाइम के बीच का डिफरेंस कितना है, देखिए यहाँ पर 10 मिनट क्या है देर और ये क्या है यहाँ पर पहले पहुंच जाता है, मतलब कितना का अंतर हो गया 15 मिनट का अंतर हुआ, 15/2 इसको कर लें घंटे में कन्वर्ट, 60 मतलब 1/2 इसको हम 4 भी बोल सकते हैं, मतलब इसका आप सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा, मतलब आप इसका ले लीजिए एलसीएम, डी कॉमन ले लीजिए कितना जाएगा आपका, कॉमन ले लेते हैं हम 60 जाएगा, मतलब 4 - 3 मतलब 1/60 इक्वल टू 1/4 मतलब ये कितना जाएगा 15, डिग्री वैल्यू कितना जाएगा डिस्टेंस कितना है 15 किलोमीटर, सिंपल है, ऑप्शन नंबर 3 आपका।
करेक्ट होगा। इस तरह से हम टोटल 25 के 25 सवाल को कंप्लीट करवा दीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन समझ में आया है। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को बस ही सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं हम लोग हम नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।